मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक डिंडोरी और मंडला जिले के औचक निरीक्षण पर निकले। शिवराज डिंडोरी जिले के शाहपुरा औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। शिवराज औचक निरीक्षण के दौरान करीब 1 किलोमीटर पैदल चले। इस दौरान उन्होंने संतोषजनक कार्य नहीं करने पर जल संसाधन विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। उन्होंने लापरवाही बरतने पर सिविल सर्जन शाक्य को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बीज वितरण में लापरवाही बरतने पर सीएम ने प्रभारी उपसंचालक कृषि अश्विनी झारिया को निलंबित किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी किया। मध्य प्रदेश के औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा गोपनीय रखा गया। उन्होंने डिंडोरी जिले में बेलगांव बदन मध्यम सिंचाई परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने बेलगांव जलाशय का भी निरीक्षण किया। सीवेज की समस्या के बारे में अधिकारियों और स्थानीय लोगों से जानकारी ली। सीएम ने ग्रामीणों और किसानों से मुलाकात की। परियोजना का काम संतोषजनक नहीं मिलने पर 3 बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्होंने जल संसाधन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीएस सांडिया, एसडीओ बेलगाम एमके रोहतास और उपयंत्री एसके चौधरी को निलंबित करने के आदेश दिए। सीएम ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर नल जल योजना के विषय के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जनसंवाद कर लोगों को सिंचाई के लिए जल की व्यवस्थित कार्य योजना का आश्वासन दिया। सिंचाई योजना से पूरा लाभ नहीं मिल रहा, नहरें ठीक नहीं है, बीच में पानी से भी किसानों का नुकसान हुआ है। मैंने तय किया कि मैं खुद जाके स्पॉट पे देखूंगा, चेक करूंगा, और चेक करके मैंने देखा तो स्पष्ट रूप से लापरवाही है, नहरें भी ठीक नहीं है। आज मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको सस्पेंड किया। यहाँ के कोई मिस्टर चौधरी है उनको भी सस्पेंड किया है। एसडीओ कोई रोहितास है उनको सस्पेंड किया है। लापरवाही अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक टीम आएगी यहाँ विशेष रूप से जो पूरी नहरों का भी निरीक्षण करेगी, काम को भी देखेगी, किसानों को अगर नुकसान हुआ है तो राहत और मुआवजे का इंतजाम करेगी। नहर पक्की बनाई जाएगी ताकि टेल एंड तक पानी जा सके, टेल एंड तक पानी नहीं जा रहा है और ये भारी लापरवाही है। बांध बन गया पानी ना जाए तो मतलब क्या है, इसलिए मैंने ये एक्शन लिया है। सीएम शिवराज ने बिलगढ़ा हाई स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से प्रतिदिन स्कूल क्लास पीरियड और शिक्षकों की उपलब्धता की स्थिति के बारे में बात की। शिवराज ने बच्चों से सवाल जवाब कर पढ़ाई की गुणवत्ता के विषय में जानकारी ली। जवाबों से संतुष्ट सीएम ने बच्चों को उपहार और आशीर्वाद प्रदान किया। सीएम ने प्राथमिक कक्षाओं में जाकर छोटे बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई। बड़झर गांव में संचालित बालक आश्रम में बच्चों की कक्षा में जाकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं उन्होंने छात्रावास के अधीक्षक कमलेश गोलिया को अनुपस्थित रहने पर निलंबित कर दिया। सीएम ने आश्रम की साफ सफाई और प्रतिदिन मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही निर्देश दिए कि आगे से आश्रम में अधीक्षक को प्रतिदिन उपस्थित होना चाहिए। बीज वितरण में लापरवाही बरतने पर सीएम ने प्रभारी उपसंचालक कृषि अश्विनी झारिया को निलंबित कर दिया। सीएम डिंडोरी जिले से सीएम मंडला जिले के औचक निरीक्षण पर निकले, जहां उन्होंने जिला अस्पताल मंडला का निरीक्षण किया। लापरवाही बरतने पर सिविल सर्जन शाक्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। रास्ते में एक छात्रावास भी चेक किया तो छात्रावास अधीक्षक मुझे नहीं मिला, उसको भी मैंने सस्पेंड किया है। और एक और शिकायत मुझे मिली है जो हमारे कृषि विभाग के DDA बीज वितरण में अनियमितताओं की, इसलिए DDA को भी सस्पेंड कर रहा हूं। छात्रावासों की स्थिति कलेक्टर को मैंने निर्देश दिए ठीक से जाके देखे और फिर रिपोर्ट करें। बच्चों की व्यवस्थाएं सारी ठीक होनी चाहिए, उसमें लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि मैंने जो जानकारी ली, हमारे कई कर्मचारी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो जो गड़बड़ करेगा उनका सस्पेंशन और जो अच्छा करेगा उसका सम्मान। मुख्यमंत्री ने अच्छा काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान किया। उन्होंने मंडला जिला अस्पताल में हॉस्टल अधीक्षक प्रभा गुमास्ते को सम्मानित किया। सीएम ने डिंडोरी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस दीपक साहू को सम्मानित किया।
शाहपुरा हेलीपैड पर अच्छा काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों से सीएम ने मुलाकात की। सभी अच्छा काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।